नमस्कार, आपके साथ मैं हूं निधिवेश और आप देख रहे हैं जेजेएन न्यूज। उत्तराखंड में नशे का कारोबार बहुत बढ़ गया है। पुलिस भी इसकी रोकथाम के लिए हर मुमकिन प्रयास कर रही है। पुलिस उन सभी की धरपकड़ में लगी है जो अवैध नशे की तस्करी करते हैं। इसी कड़ी में हल्द्वानी पुलिस ने 5 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त बाबूराम उम्र 40 साल के पास से 5 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की गई। वहीं अब अभियुक्त को कोर्ट के आगे पेश किया जाएगा। आरोपी पहले भी शराब तस्करी के मामले में थाना वनभुलपुरा से जेल जा चुका है। वहीं आपको बता दें कि अभियुक्त को इद्रीश की झोपड़ी के पास से पलिया पर गौला जवाहर नगर थाना वनभुलपुरा से गिरफ्तार किया गया। वहीं अब उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। अभियुक्त के कब्जे से 5 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की है। तो फिलहाल आज के इस खबर में बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जेजेएन न्यूज़।